नमस्कार, आदाब। मैं रंजीता दत्ता खान। बस आज इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की आई डोंट थिंक आज मुझे ज़रूरत है, देना नहीं भी चाहती हूँ मैं। हालांकि हम सब बहुत गहरे सदमे में हैं, जिस हम तक जो खबरें पहुंची सुशांत सिंह जी के बारे में, जिस तरह से हमने सुना, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, सब तरफ से उनके उनके शव को, उनके उनके जो डिप्रेशन में रहने की जो उनकी जो वो जो तमाम उनके जो कुछ मेडिकल फाइल्स मिले हैं, जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें डिप्रेशन की बीमारी थी, जिस तरह के भी मानसिक हालात थे उनके, तो उस पर मैं छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, मानसिक जो तनाव होता है ना, आई एम सो सॉरी, इट हैज़ बीन रियली अ वेरी सैड न्यूज़ एंड बहुत दुखद घटना है। बहुत दुखद इस घटना को व्यक्त करने के लिए, जो कहते हैं ना, जो मानसिक स्थिति और जो मानसिक परिस्थिति होती है वो हर किसी में होती नहीं है। एंड बीइंग अ वेरी इमोशनल पर्सन, आई फाइंड समटाइम्स आउट ऑफ माय वर्ड्स टू एक्सप्रेस द ग्रैटिट्यूड, एक्सप्रेस द सॉलिट्यूड, एक्सप्रेस द लॉस व्हाट वी हैड। आई मीन वी आर स्टिल इन दैट लॉस, नॉट एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट लॉस एक्चुअली। एंड खैर, मैं उस छोटे से टॉपिक पे आना चाहती हूँ जिसका सब लोगों ने वो डिप्रेशन का जो नाम दिया है, तो वो डिप्रेशन के बारे में मेरी एक छोटी सी एक खुद के ऊपर की हुई एक छोटी सी एक कोशिश है कि ऐसे मेरे साथ भी ऐसे बहुत मौके आए, मेरे साथ भी जिंदगी ने ऐसे बहुत मौक़ों पे लाकर, ऐसे बहुत जगह पे लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पे मुझे लगा कि अब इसके आगे क्या, मेरे पास तो जीने की कोई वजह ही नहीं है। मैं उस जिंदगी से, मुझे उसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। जी हाँ, और उस अंधेरे के बाद एक वक्त था जब मैं सोचा कि अपनी जिंदगी को कि अब शायद मुझसे और कुछ नहीं होगा। आई हैड गिवन अपॉन माई सेल्फ, आई हैड गिवन अपॉन माई ड्रीम्स। बहुत लोगों की बातों ने, लोगों के शब्दों ने मुझे तोड़ के रख दिया था। कहते हैं ना कि द वर्ड्स कैन ब्रेक यू, वर्ड्स कैन मेक यू, वर्ड्स कैन गो डाउन ऑन योर नीड्स। एक इंसान की बातें, एक लोगों की बातें जो होती हैं, ये जो बहुत पहले जो हमारे जो लोग गाते थे ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो इन बातों को हम गाते तो थे बट शायद उन चीज़ों को हम अपने दिमाग में या अपनी असली जिंदगी में कभी उस चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, हमने इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया, कभी ये चीज़ को देख सोचा नहीं कि हाँ सच में लोगों का काम तो कहना है। लोग आज कहेंगे, दूसरे दिन लोग भूल जाएंगे, लोगों को कुछ और नए टॉपिक मिलेंगे, वो कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। और इन सारे चीजों का निचोड़ हमने क्या किया, हमने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। मानते हैं कि जो इंसान जिस परिस्थिति में होता है, हम जब तक उस परिस्थिति में पड़ते नहीं हैं, जब तक उस परिस्थिति से गुजरते नहीं हैं, हमें खुद को अंदाजा नहीं होता। हमें हमेशा लगता है कि सबसे सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ में तो हम हैं, हमसे ज्यादा दुखी तो दुनिया में कोई है ही नहीं, हमसे ज्यादा तकलीफ तो शायद ही किसी को है। बट ये गलत है। लेकिन जिंदगी को खत्म कर लेना, देखिए, बहुत लोग कहेंगे कि वो, कोई कहता है कि वो कायरता है, कोई कहते हैं कि वो जूझ नहीं पाए, या कोई कहते हैं कि हम लोग सब
आज वो सेलिब्रिटी हैं, इसीलिए हम शायद उनके बारे में जानते हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं पूरी दुनिया में, जो ऐसे हर छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी हालातों से हार मानकर जिन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, जो वो छोड़ के जा रहे हैं उनके बाद उनका क्या होगा उसके बारे में कभी सोचा नहीं। तो उनके बारे में कभी कभी अपने जिंदगी में अपने जुड़े लोगों के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी होता है कि क्या हम इतने लाचार हैं, क्या हम इतने बेकार और नाकारा हैं, क्या हम इतने इतने इतनी छोटी सी चीजों से हार मानकर थक कर बैठ जाने वाले इंसान हैं कि आज किसी ने हमें बोल दिया कि आप ये कर नहीं सकते, या फिर हमारे अंदर एक डिप्रेशन है, कुछ हो गया। यू कैन गो थ्रू अ लॉट ऑफ, यू कैन गो थ्रू हार्ट ब्रेक, यू कैन गो थ्रू अ लॉस, यू कैन गो थ्रू अ फेलियर, यू कैन गो थ्रू अ न्यूमरस काइंड्स ऑफ लॉसेस अ पर्सन गोज थ्रू, एंड देर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस फॉर यू यू नो टू टेक अ स्टेप एंड वन स्टेप एंड गॉन, वुश, यू आर फिनिश्ड, एवरीथिंग इज ओवर, यू आर आउट ऑफ योर जोन। बट पीछे जो रह जाते हैं लोग ना, उनको जो किस किस तकलीफ से गुजारा करना पड़ता है, किन तरीके का मानसिक तनाव से उन्हें गुजरना पड़ता है, मानसिक हो, आर्थिक हो, कितने लोग हैं जो शायद आप पर निर्भर करते हैं और आप उन्हें एक ऐसे हालात में छोड़ के चले जाते हैं जिस वक्त वो लाचार हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। तो कभी बैठकर उनके बारे में सोचिए, और कभी किसी तीसरे को ये मौका मत दीजिए कि वो ये डिसाइड कर सके कि आप ये चीज कर नहीं सकते, आपके अंदर वो चीज है ही नहीं। जिस दिन किसी तीसरे ने अपनी आपकी जिंदगी को वो डिसाइड करने लगे ना कि आप बेकार हो, या आप कुछ नहीं कर सकते, या आपके अंदर ये डिप्रेशन है, यू नो देर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स, देर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लोगों के बहुत दोस्त होते हैं, बहुत ये होते हैं, बट आई थिंक नंबर ऑफ फेसबुक फ्रेंड्स डजंट डिसाइड दैट हाउ मेनी एक्चुअल फ्रेंड्स यू हैव, एंड दैट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड। वो वर्चुअल वर्ल्ड, वो जो दिखता है ना दुनिया, वो दुनिया वैसी है नहीं। वो दिखावे की दुनिया और एक रियलिटी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। दोस्त वो होने चाहिए जो शायद आपसे महीनों बात नहीं करे, लेकिन आपके एक कॉल पर और एक इशारे पर वो ये समझ जाए कि आप किस तरीके के दर्द से गुजर रहे हैं। हाँ, हालांकि ऐसे दोस्तों को भूलना भी नहीं चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि लोग भूल जाते हैं, और जब मुसीबत आती है तब उन्हें याद आते हैं कि शायद हमारे ये दोस्त भी हैं जो शायद हमारी मदद कर सकते थे। तो जो आपके करीबी लोग हैं उनसे बातें कीजिए, उनसे कोई भी किसी भी तरह का शिकवा हो, शिकन हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, उनसे डिस्कस कीजिए, लोगों की राय लीजिए। हर हमेशा जैसे आज इस लॉकडाउन में हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, हमारे पास लोग हम तक पहुंच नहीं पा रहे, हम फोन पे बातें कर रहे हैं, हम अकेलेपन में सोच रहे हैं, आज मैं सोच रही हूँ कि काम नहीं होगा तो अगले दिन क्या होगा। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट वेरी मोमेंट इन आवर लाइफ। वी आर एब्सोल्युटली क्लूलेस व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अनदर नेक्स्ट वन डे यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू रिसीव सम काइंड ऑफ न्यूज दैट ओ माई गॉड, दिस इज अगेन समथिंग इरेशनल हैपन, अगेन समथिंग वेरी बैड हैपन। What are you going to do? You're going to sit at home and cry? Oh, come on now. That can't be the reason. You cannot justify that, actually. You cannot justify your failure, right? Apne failure ko justify mat kijiye. Fight back. I fought back. Trust me. Those who are very close to me, those who are very near and dear ones to me, they know that the kind of situations I have been and the kind of situations I have gone through, the kind of upheavals and, you know, ups and downs in my life, and how one thing. So one, if I face one failure, that's not going to decide my future, right? If I'm going through a financial crunch, I'll work for it. There were times when I walked miles and miles for a job. There were times I still have that pain. आज भी मेरे उस पैर के तलवे पे मुझे पेन होता है, वो दर्द होता है,
जब मैं वो सरसों के तेल की मालिश करती हूँ, कि वो एक दौर था जब मैं एक जगह जगह भटक के, मैंने नौकरी के लिए मैं भटकी थी, लेकिन एक चीज मेरे अंदर के गजब के कमाल की है, जो ऊपर वाले की देन है। मैं जरूर बोलूंगी कि ऊपर वाले की देन है, और मैं चाहती हूँ कि ये ऊपर वाले की देन आप सबके अंदर हो। अगर मेरी चंद शब्दों से अगर आपको प्रोत्साहन मिलता है, तो मैं इसको अपनी बहुत खुशकिस्मती समझूंगी कि प्लीज कभी भी अपने ऊपर गिव अप मत कीजिए। लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि आप फेलियर हैं कि आप सक्सेस हैं। लोगों की बातों पर, लोगों के तौर तरीके, लोगों की सोच, डोंट लेट देम डिसाइड योर फ्यूचर, बिकॉज योर फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। आज जो ईंटा या जो पत्थर वो आप पर फेंकते हैं ना, उस पत्थर और उन ईंटों से ना अपना महल खड़ा कर लीजिए। यकीन मानिए गजब का मजा आता है। और हार मानना कभी ऑप्शन मत रखिए। हार मानने का वो जगह ही नहीं है। हार, नेवर यूज द वर्ड, नेवर नेवर यूज द वर्ड दैट यू नो, ओ माय गॉड, आई माइट फेल। वी फेल, एवरी वन फेल इन देयर लाइफ। Numerous times we face failures, but that is not going to decide our future. I'll fail, get up, fail, get up, fail, get up. I have done that in my life. Trust me, trust me. Please, please, मेरी बात को ध्यान से सुनिए और इस depression जैसी चीज को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। उठ खड़े होइए और लड़िए एक warrior की तरह। Yes, do fight like a warrior, but do not forget one thing, that you have to maintain the path of honesty, which is very very important. Because अक्सर लोग यू नो सक्सेस के नाम पर या सक्सेसफुल होने के लिए people do tend to take shortcuts, but ये मेरी सजेशन है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये नीति है, कि अगर आप ऑनेस्टी के रास्ते पे चलिएगा और अगर आप मेहनत कीजिएगा, हाँ मेहनत बहुत जरूरी है, बिकॉज सिर्फ किस्मत होने से काम नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ किस्मत के भरोसे अगर हम बैठे रहते तो फिर हम काम ही नहीं करते कुछ। अगर हम किस्मत के भरोसे बैठेंगे, किस्मत हमारे लिए खाना लाके देगा, is going to work for me, is going to walk miles and miles for me, is going to go and give my interviews, and I'm simply going to get a job sitting at home. No, it's not going to happen. So you have to work, you have to be honest, and please, ye sare naujawan yuvak aur yuvati sabke liye, for boys and girls, everyone, do not take shortcuts, you know. कभी किसी के साथ डिसऑनेस्ट मत रहिए, कभी किसी का छल से किसी के, मतलब यू नो यू कैन टेक सम लम सम मनी, और या फिर मैंने उसको चीट किया, मैंने उसको चीट से उससे पैसे ले लिए, मैंने उससे चीट करके यू नो आई फूल्ड दैट पर्सन, तो दैट पर्सन वॉज तो नाइस इनफ, बट जिंदगी में तो फूल आप बनेंगे, क्योंकि जिस इंसान के अंदर मेहनत रहेगा वो तो शायद एक दो बार फूल हो भी जाएगा, और अपनी मेहनत के बल पर वो वापस खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज उदास मत होइए। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, इन उतार चढ़ाव का सामना कीजिए और ऑनेस्टी के साथ चलिए, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, और सच्चाई के रास्ते पे चलिए। भले वो लड़की हो, भले वो लड़का हो, प्लीज डू नॉट टेक शॉर्टकट्स, बिकॉज शॉर्टकट्स आपको दूर तक नहीं लेके जाएंगे। एक हद तक तो शायद आप पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद की कामयाबी आपकी मेहनत डिसाइड करती है, आपकी ऑनेस्टी डिसाइड करती है, आपका हार्डवर्क डिसाइड करेगा। बी पंचुअल, बी ऑनेस्ट, बी डिसिप्लिन्ड, बिकॉज दैट इज द यू नो दे आर द फ्यू पिलर्स ऑफ सक्सेस विच इज गोइंग टू टेक यू फार। बी ब्लेस्ड, लव यू ऑल, माय लव ऑल गोज, एंड बी हैप्पी। प्लीज keep a smile, yeah, that's better, keep smiling, you know, be positive, thank you so much.